समीकरण 9 क्लास का सेकंड पार्ट आज हम डील करने जा रहे हैं जेड प्लस सेकंड की तरफ से। और वेरी वेरी गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स, आप लोग प्लीज जो है जो भी वीडियो बनाई जा रही है इसको आप लोग पूरा का पूरा लास्ट तक इसको देखिए। हो सकता है कि जो आप लोगों के स्कूल कॉलेजेस में जो चीज पढ़ाया जाता हो उससे डिफरेंट जो है कॉम्प्रिहेंसिबल मैटर, ठीक है, जिसको आप कॉम्प्रिहेंड कर सके, अंडरस्टैंड कर सके जो है उस तरह की बिल्कुल डेली लाइफ की चीजों से इजिली मतलब अंडरस्टैंडिंग लेवल आपका पैदा किया जाता है इसमें। तो प्लीज इसको पूरा लास्ट तक देखा करिए और इसको सब्सक्राइब करिए, क्योंकि देखिए जो भी ये सब चीजें हैं जनरल मैथ्स जनरल साइंस जो 8th 9th 10th क्लास का है या जितने भी कॉम्पिटिशन्स होते हैं सिर्फ IIT PMT एग्जामिनेशन को छोड़ करके जितने भी कॉम्पिटिशन्स होते हैं सब में GS में जनरल मैथ्स जनरल साइंस ये सब सारी चीजें पूछी जाती हैं। तो यह लाइफ और करियर की बात है, लाइफ करियर के लिए जो चीज़ जरूरी है उसको आप सब्सक्राइब करिए और प्लस इस अपॉर्चुनिटी को ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की लाइफ और करियर मेंटेन हो तो आप हेल्प करिए। आप हेल्प करेंगे तो आपको हेल्प मिलेगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जो है आप लोग शेयर कर दिया करिए कि हाँ भाई यहाँ पर इस तरह की टीचिंग दी जा रही है, अच्छा समझ में आ रहा है, अगर ये डिजर्व करता है तो उसको शेयर कर दीजिए, ठीक है। और आप लोग क्या करते हैं कि कोई ऑर्केस्ट्रा डांसर है, कोई नाच गाना हो रहा है, उस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करते हैं, अंत प्रदर्शन देखने के लिए उसको सब्सक्राइब कर लेते हैं, जो चीज़ लाइफ करियर से जरूरी है उसको आप लोग सब्सक्राइब करेंगे। तो प्लीज़ इसको जो भी स्टडी कराई जाती है बहुत ज़मीनी तौर पे जेड प्लस अकेडमी की तरफ से, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग प्लीज़ जो है इसको व्यू करें और लास्ट तक इसको देखा करिए वीडियो। कमाल, अब देखिए हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। डिस्टेंस क्या होता है एक बार फिर हल्का सा रिवीजन कर रहे हैं कि डिस्टेंस क्या होता है कि किन्हीं भी दो बिंदुओं के बीच में, वह बिंदु कौन से होंगे, एक स्टार्ट पॉइंट होगा दूसरा एंड पॉइंट होगा, तो दोनों बिंदुओं के बीच में जितना लीनियर गैपिंग होती है टोटल लीनियर गैपिंग को डिस्टेंस या दूरी कहते हैं। बट डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट जो होता है किन्हीं भी दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी होती है, मिनिमम डिस्टेंस होती है, मीन्स स्टार्टिंग और एंड पॉइंट को एक सीधी रेखा द्वारा जोड़ देते हैं। क्योंकि आप यूक्लिड की ज्योमेट्री में जाएंगे कि किन्हीं भी दो बिंदुओं के बीच की दूरी क्या होती है, हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है और परपेंडिकुलर सिर्फ दो बिंदुओं पर सिर्फ एक परपेंडिकुलर पड़ता है, ठीक है, और वो मिनिमम होता है। जैसे कि दो बिंदुओं से अगर पैरेलल लाइन गुजारा जाए तो उन दोनों पैरेलल लाइन के बीच की डिस्टेंस क्या होगी, वह लंबवत दूरी होगी। अगर उस परपेंडिकुलर डाला जाए तो उस परपेंडिकुलर की लंबाई जो है दोनों समानांतर रेखाओं यानी पैरेलल लाइंस के बीच में वह मिनिमम डिस्टेंस होगी। तो स्टार्टिंग और एंड पॉइंट मीन्स जो शुरुआती जहां से यात्रा शुरू हुई है जहां पे अंत हुआ है वहां पर एक सीधी रेखा द्वारा मिला देते हैं, ठीक। और यह क्या होता है, रियली दो पैरेलल लाइन के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है, तो यह विस्थापन मिनिमम डिस्टेंस, बस इतना आपको ध्यान देना है। अब देखिए डिस्टेंस को हम कैपिटल एस द्वारा शो करते हैं, इसको भी कैपिटल एस द्वारा शो करते हैं, बट फर्क यह है स्केलर क्वांटिटी है, अदिश राशि है, इसलिए इसके ऊपर एरो नहीं लगाते हैं, यह सदिश राशि है इसलिए इसके ऊपर एरो लगा देते हैं, वेक्टर क्वांटिटी क्योंकि इट हैज डेफिनेट डायरेक्शन, इसका एक निश्चित दिशा होती है। अब देखिए मतलब अगर मान लीजिए हम ये करते हैं कि आप दो घंटे में 2 आवर्स में 2 घंटे में आप 100 किलोमीटर जस्ट यू आर कवरिंग 100 किलोमीटर, ठीक, 2 घंटे में 100 किलोमीटर कवर कर रहे हैं, तो बताइए 1 घंटे में कितना कवर करेंगे। जाहिर सी बात है आप इस 100 किलोमीटर को डिवाइड करेंगे 2 घंटे से, ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका 50 किलोमीटर पर आवर, क्या आया 50 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी 1 घंटा 50 किलोमीटर चल रहा है तो 2 घंटा में 100 किलोमीटर चल लेंगे, ठीक है। तो यही जो आया आपका कि एकांत समय में यानी 1 घंटा या 1 घंटा हो सकता है, 1 मिनट हो सकता है, ध्यान रखिएगा 1 सेकंड हो सकता है, मीन्स कुल मिला मिला करके जो समय का मात्रक घंटा मिनट सेकंड दिया जाता है वह यूनिट हो मीन्स 1 हो, तो 1 घंटा या 1 मिनट 1 समय 1 सेकंड को बोलेंगे एकांक समय यानी पर यूनिट टाइम,
इसको इंग्लिश में परिमित टाइम और हिंदी में एकांत समय। एकांत समय में चली गई दूरी मींस डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन पर यूनिट टाइम दिस नोन एज स्पीड। इसको क्या बोलते हैं? स्पीड बोलते हैं। और स्पीड को कैपिटल वी से शो करते हैं। स्पीड को कैपिटल वी से शो करते हैं। अब ये आपका आ गया जो 50 किलोमीटर ऊपर 100 क्या रखे हैं? ये है डिस्टेंस रखे हैं। क्या रखे हैं? डिस्टेंस। और डिवाइडेड बाई ये टाइम है, डिवाइडेड बाई टाइम। तो ये जो निकला आपका, ठीक, ये जो डिस्टेंस अपॉन टाइम निकला, ये इज इक्वल टू क्या हो गया? स्पीड। तो आप एक फॉर्मूले करेंगे कि v इज इक्वल टू s अपॉन t, यानी चाल बराबर इस दूरी बटा समय, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी पर यूनिट टाइम में कितना किलोमीटर कोई बॉडी कवर कर रही है, कोई फील्ड कवर कर रहा है, तो उसे क्या बोलेंगे? चाल बोलेंगे। अब यहीं पर अगर ये विस्थापन है, ध्यान रखिए, क्योंकि विस्थापन शॉर्ट डिस्टेंसेस का अब किलोमीटर वो किया जा रहा है, उसमें उसके साथ आर लिया जा रहा है, घंटा लिया जा रहा है, बट डिस्प्लेसमेंट क्या है? यह शॉर्ट डिस्टेंसेस के लिए जो है एक डेफिनेट डायरेक्शन हो सकता है किसी पिंड का, किसी ऑब्जेक्ट का, दैट्स व्हाई यह कम डिस्टेंसेस के लिए लिया जाता है। तो इसका घंटे में नहीं निकाला जाएगा, जाहिर सी बात है मिनट और सेकंड में, छोटे पैरामीटर्स यूनिट्स हैं समय के, उसमें निकाला जाएगा। देखिए आप, ये हो जाएगा आपका कि जैसे आपने अभी 4 सेकेंड में, 4 सेकेंड्स में आपने कवर किया 200 मीटर कवर किया, तो आप बताइए कि 1 सेकेंड में कितना कवर करेंगे? 1 सेकेंड में कितना कवर करेंगे? तो आप ये हो जाएगा 200 मीटर डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा, 4 सेकेंड इज इक्वल टू हो जाएगा ये 50, ऊपर क्या है मीटर, नीचे क्या है सेकेंड, डिवाइडेड बाई सेकेंड, यह आपकी यूनिट निकली, ठीक है, यानी 50 मीटर पर सेकेंड। 1 सेकेंड में कितना? 50 मीटर। कितना कवर किया? 50 मीटर। तो 1 सेकेंड में 50 मीटर, इसको बोलेंगे पर यूनिट टाइम में जो डिस्प्लेसमेंट कवर है, यह डिस्प्लेसमेंट हुआ, क्योंकि जो देखिए डिस्टेंस से संबंधित चाल होती है और डिस्प्लेसमेंट से संबंधित क्या होता है? वेलोसिटी होती है। डिस्प्लेसमेंट से संबंधित वेलोसिटी होती है, यानी वेग होता है, ठीक है। तो देखिए यानी पर यूनिट टाइम में कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया, ये हो जाएगी वेलोसिटी, ठीक। इसको आप ये कर सकते हैं, क्योंकि वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, इसको भी कैपिटल वी से शो किया जाता है, बट इसके ऊपर एरो दिया जाता है, वेक्टर क्वांटिटी है। v इज इक्वल टू हो जाएगा आपका यस डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। देखिए दोनों का फॉर्मेशन सेम है, बट इसमें यस डिस्टेंस ली गई है, इसमें डिस्प्लेसमेंट लिया गया है, क्योंकि ये स्केलर अपॉन स्केलर इज इक्वल टू स्केलर होता है, तो स्पीड स्केलर आ गई। लेकिन यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट क्या है? वेक्टर है, वेक्टर अपॉन स्केलर इज इक्वल टू वेक्टर होता है, तो वेलोसिटी क्या हो गई? वेक्टर क्वांटिटी हो गई, ठीक। तो अब बोल सकते हैं कि समअप किया जाए कि जैसे चाल किसे कहते हैं, तो आप बताएंगे कि पर यूनिट टाइम यानी एकांक समय में डिस्टेंस ट्रेवल्ड चली गई दूरी वह क्या हो जाएगी? स्पीड हो जाएगी। लेकिन पर यूनिट टाइम डिस्प्लेसमेंट कवर जब विस्थापन अपन टाइम करेंगे तो यह क्या हो जाएगा? वेलोसिटी हो जाएगी, ठीक है। अब ये देखिए इसमें, और आप लोग ये भी ध्यान रखिएगा कि जो स्पीड होती है, ध्यान रखिएगा स्पीड और वेलोसिटी, स्पीड यह ज्यादातर जनरली किलोमीटर प्रति घंटा है, इसकी किलोमीटर पर आवर जो है इसका यूनिट मात्र बनाया जाता है, और वेलोसिटी को जनरली मीटर पर सेकंड बनाया जाता है, ठीक है, क्योंकि यह डेफिनेट डायरेक्शन एक शॉर्ट मतलब रेंज के लिए हो सकता है, दैट्स व्हाई मीटर पर सेकंड को दिया गया है। चाल क्योंकि बहुत दूरियाँ, बहुत बड़ी बड़ी दूरियाँ तय की जाती है, इसलिए इसको किलोमीटर प्रति घंटा में मीन्स व्यक्त करते हैं, ठीक है। कमान, अब हम चलते हैं अगले हेड पर, वेग और त्वरण। देखिए बहुत ज़्यादा कुछ नहीं, फिजिक्स हम लोग के जो गुरु रहे पीके शर्मा सर, दिवंगत हो चुकी हैं, वो बोलते थे कि फिजिक्स इज नॉट अ सब्जेक्ट, फिजिक्स सब्जेक्ट नहीं है, बल्कि फिजिक्स क्या है? एक गेम, दिस इज प्ले, यह डेली लाइफ की चीज। फिजिक्स को समझना है तो
डेली लाइफ की चीजों पर उतर जाएगी, लेकिन फिजिक्स बिल्कुल क्या हो जाएगी, जस्ट लाइक पारिस, बिल्कुल हलवा बन जाएगी आपके सामने। ठीक है, देखिए अब एक छोटी सी बात बता रहे हैं, वेलोसिटी और एक्सीलरेशन, त्वरण है, वेलोसिटी को आप जान रहे हैं, त्वरण को स्मॉल ए से शो करते हैं और इसके ऊपर एरो लगाते हैं क्योंकि यह वेक्टर क्वांटिटी होता है। क्यों? क्योंकि एक चीज आप जान लीजिए, मैं बता रहा हूं कि जैसे स्केलर अगर है, ध्यान रखिएगा, स्केलर अपान स्केलर या इक्वल टू स्केलर क्वांटिटी की आएगी। ठीक है, और अगर वेक्टर अपान स्केलर रहा, वेक्टर अपान स्केलर रहा तो आ जाएगी वेक्टर क्वांटिटी आएगी। ठीक है, यानी स्केलर अपान स्केलर का एग्जांपल आप स्केल का ले सकते हैं। ठीक, क्योंकि डिस्टेंस अपान टाइम, डिस्टेंस भी स्केलर है, टाइम भी स्केलर है, इसलिए स्पीड स्केलर क्वांटिटी आती है। और वेक्टर अपान स्केलर वेक्टर होता है, वेलोसिटी इसका एग्जांपल है। कैसे? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी होती है, टाइम और स्केलर क्वांटिटी इज इक्वल टू वेक्टर, ये वेक्टर क्वांटिटी होता है। इसी तरह त्वरण भी है, त्वरण में भी ये क्या आता है, वेलोसिटी आती है, वेलोसिटी अपॉन टाइम आता है, समझ ना। तो वेलोसिटी क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है, टाइम स्केलर क्वांटिटी होती है, इसीलिए इस एक्सीलरेशन क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी, इसी के ऊपर एरो लगाते हैं। ठीक है, इस चीज को फंडे को आप ध्यान रखिएगा, बाकी इसको अभी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आपको जब सॉल्व कराई जाएगी तो जबरदस्त उसमें ट्रिकी फिजिक्स मींस पेन पेपर की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप तुरंत उसको कैलकुलेट करेंगे, वो सब तरीका हम बताएंगे आपको। ठीक है, अभी आपको बेसिक फॉर्मुलेशन, उसकी डेफिनेशन, वो सब उसके बारे में कॉन्सेप्ट आपका मजबूत किया जा रहा है। ठीक है, अब आपसे आपको एक घटना बता रहा हूँ कि एक मेरा फ्रेंड था, वह जा रहा था, ठीक, बाइक से वहाँ जा रहा था कहीं, तो समय ऐसा था कि वह काफ़ी अंधेरा हो चुका था और वह 40 बाइक से अपने 40 की स्पीड में जा रहा था, यानी उसकी वेलोसिटी थी जो है 40 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, 40 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से जा रहा था, सॉरी इसको हम नया बताते हैं, नया ढंग से जो है कि वह 10 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से जा रहा था। ठीक है, इतनी वेलोसिटी जा रहा था, फिर रास्ते में क्या हुआ कि पहुंचते हुए कुछ बदमाशों ने उसके ऊपर फायर किया। अब वो डर करके अपनी स्पीड को, अपनी वेलोसिटी को बढ़ा करके कितना कर लिया, 20, बदमाशों से बचने के लिए 20 मीटर पर सेकेंड कर लिया। ठीक है, अब कितने सेकेंड में, यह मात्र 2 सेकेंड में उसने अपनी वेलोसिटी कितनी कर ली, 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब जब 20 मीटर पर सेकेंड कर लिया तो बदमाश उसके तक नहीं पहुंच पाए, वो क्या हुआ, बच गया। अब देखिए वेलोसिटी कितनी बड़ी है, पहले वेलोसिटी कितनी है, ये जो पहले की वेलोसिटी होती है इसको बोलते हैं इनिशियल वेलोसिटी, इसको बोलते हैं इनिशियल वेलोसिटी, यानी हिंदी मीडियम वाले बच्चे इसको पढ़ते हैं प्रारंभिक वेग, हिंदी मीडियम वाले बच्चे क्या पढ़ते हैं, प्रारंभिक वेग, ये हो गया। और जो लास्ट में उसका रीडिंग रही उसकी 22 स्पीडोमीटर की, कितनी रही जो है, ये 20 मीटर पर सेकेंड, यह हो जाएगा आपका फाइनल, मतलब लास्ट की वेलोसिटी है। ठीक है, फाइनल वेलोसिटी, ये हो जाएगा आपका अंतिम वेग, हिंदी में इसको बोलेंगे अंतिम वेग। ठीक, यानी जब बदमाशों से पाला नहीं पड़ा था तो उसकी स्पीडोमीटर 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी बता रहा था, लेकिन जब उसके ऊपर फायर किए तो पता चला 2 सेकंड में अपनी वेलोसिटी कितना कर लिया, 20 मीटर पर सेकंड कर लिया। अब बताइए इस कंडीशन में 2 सेकंड में कितनी वेलोसिटी बढ़ी है, 10 तो प्रारंभिक था चल रहा था, और 2 सेकंड में उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाती है, 20 मीटर पर सेकंड हो जाती है। यानी 2 सेकंड में बढ़ोतरी कितनी होती है, 2 सेकंड में बढ़ोतरी कितनी हुई, 20 में से आप 10 को घटाएंगे। याद रखिएगा इनिशियल वेलोसिटी को u द्वारा शो करते हैं और फाइनल वेलोसिटी को v द्वारा शो करते हैं, तो आप क्या करते हैं कि जो लास्ट का फाइनल वेलोसिटी से कितना इनिशियल वेलोसिटी को घटाते हैं, यानी कुछ इस तरह करते हैं v माइनस यू,
बी में सी यू घटा देते यानी 2 सेकंड में, 2 सेकंड में कितनी वेलोसिटी का अंतर आया है, 10 मीटर पर सेकंड का आया है। यानी अगर 2 सेकंड में अगर 10 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी बढ़ रही है तो 1 सेकंड में कितना बढ़ेगी, 1 सेकंड कितना बढ़ेगी, 5 मीटर पर सेकंड। क्यों? क्योंकि 2 सेकंड पहले तो 10 था, 2 सेकंड में 20 कर लिया, तो 2 सेकंड में कितनी वेलोसिटी की बढ़त हुई है, 10 मीटर पर सेकंड। तो वही आपको 1 सेकंड में कितना होगा, 5 मीटर पर सेकंड, यानी 1 सेकंड में उसकी वेलोसिटी कितनी बढ़ी है, 5 मीटर पर सेकंड। तो यही पर यूनिट टाइम, यानी 5 मीटर पर सेकंड, यानी 1 सेकंड में पर यूनिट टाइम में कितनी वेग वृद्धि हुई है, कितना वेग का डिफरेंस हुआ है पर सेकंड, इसी को बोलते हैं त्वरण। क्या बोलते हैं, एक्सीलरेशन। यानी ये देखिए, इसको हम इधर शो कर दे रहे हैं कि एक्सीलरेशन इज इक्वल टू हो जाएगा क्या है, फाइनल वेलोसिटी में से इनिशियल वेलोसिटी घटा करके टाइम से डिवाइड कर देंगे, यह आ जाएगा एक्सीलरेशन। यानी चाहे वेग वृद्धि हो सकती है या वेग घट सकता है, ठीक है, पर सेकंड वेग बढ़ा या घटा, ठीक है। यानी ये जो पैरामीटर आएगा, न्यू फिजिकल क्वांटिटी आएगी, भौतिक राशि आएगी, इसको क्या बोलेंगे, त्वरण या एक्सीलरेशन। लेकिन अगर वेग बढ़ रहा है पर सेकंड तो क्या आ जाएगा, पॉजिटिव एक्सीलरेशन या सिंपली एक्सीलरेशन बोलते हैं। लेकिन अगर पर सेकंड वेग घट रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, या नेगेटिव एक्सीलरेशन या डिसेलरेशन बोलते हैं, या रिटार्डेशन बोलते हैं, हिंदी में मंदन बोलते हैं इसको, ठीक है ना। देखिए अब आप ये चीज देखें, इसको हम शो कर दे रहे हैं, ध्यान रखिएगा कि अगर पर सेकंड, 1 सेकंड में अगर वेलोसिटी, ठीक है, 1 सेकंड में वेलोसिटी क्या कर रही है, प्लस में जा रही है, इंक्रीज कर रही है, ठीक ना, वेग बढ़ रहा है, ठीक है, वेग बढ़ रहा है पर सेकंड, तो हो जाएगा पॉजिटिव एक्सीलरेशन आ जाएगा। लेकिन अगर पर सेकंड वेलोसिटी घट रही है तो ये हो जाएगा नेगेटिव एक्सीलरेशन, ठीक है, नेगेटिव एक्सीलरेशन हो जाएगा। इसी को डिसेलरेशन बोलते हैं, नेगेटिव एक्सीलरेशन बोलते हैं, रिटार्डेशन बोलते हैं, ठीक है, और ये पॉजिटिव एक्सीलरेशन को जनरली उसे एक्सीलरेशन टर्म, ठीक है। अब आपको बताऊं कि जो पैरामीटर आपको दिए थे कि 10 मीटर पर सेकंड के वेग से यह इनिशियल वेलोसिटी थी और वह 2 सेकंड में उसकी वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड हो गई, ठीक है ना। तो पर सेकंड कितनी वेलोसिटी बढ़ी है, अगर बढ़ी है तो पॉजिटिव एक्सीलरेशन, अगर पर सेकंड कितनी वेलोसिटी घटी है तो दैट विल बी नेगेटिव एक्सीलरेशन या मंदन हो जाएगा, डिसेलरेशन या नेगेटिव एक्सीलरेशन, ठीक है। अपमान अगर 2 सेकंड में इतना बढ़त है तो पर सेकंड कितना आ जाएगा, सॉरी पर सेकंड ये आ जाएगा, 2 सेकंड में बढ़त कितनी मिली थी, 10 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी बढ़ी है, ठीक है। तो 2 सेकंड में अगर 10 मीटर पर सेकंड बढ़ रहा है तो 1 सेकंड में कितना बढ़ेगा, 5 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तभी तो 1 सेकंड में 5 मीटर पर सेकंड बढ़ा तो 10 से 15 हो जाएगा, ठीक है। फिर जो है अगले 1 सेकंड में फिर 5 मीटर पर सेकंड बढ़ जाएगा तो कितना जाएगा, 20 आ जाएगा। यानी 1 सेकंड में जो बढ़त या घटत होती है वेग की, उसको क्या बोलते हैं, एक्सीलरेशन। अगर इंक्रीमेंट है, बढ़त है, तो पॉजिटिव एक्सीलरेशन। अगर पर सेकंड वेग घट रहा है, कितना घट रहा है, वह हो जाएगा नेगेटिव एक्सीलरेशन। अब आपको कुल मिला जुला करके एक आपको फॉर्मुलेशन मिल गया कि इसको हम मिटाते रहे, एक फॉर्मुलेशन आपको क्या मिल गया है कि एक्सीलरेशन त्वरण बराबर क्या हो जाएगा, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। इसको हमेशा ध्यान रखिएगा, एक्सीलरेशन जब भी कैलकुलेट करना पड़ेगा तो आप इस वाले फॉर्मुलेशन की, यह क्या है, अंतिम वेग है, दिस इज योर फाइनल वेलोसिटी, ठीक, एंड यू क्या है, दिस इज योर इनिशियल वेलोसिटी या प्रारंभिक वेग है, तो यह घटा देंगे तो आपको एक्सीलरेशन फिजिकल क्वांटिटी मिल जाएगी। कमान अब आपने देखा कि v में से u घटाते हैं अपान टाइम करते हैं तो क्या निकलता है, एक्सीलरेशन, ठीक, या v इज इक्वल टू जब करते हैं v माइनस u इज इक्वल टू करते हैं तो t इधर डिवाइड हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा at, क्लियर, और v इज इक्वल टू करेंगे तो u इधर माइनस है, उधर जाके प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा u प्लस
एटी, ठीक है। और v इक्वल टू यू प्लस एटी क्या है आपका, यह फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, इसको क्या बोलते हैं, यह है आपका गति का प्रथम समीकरण, गति का प्रथम समीकरण, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। यह गति का प्रथम समीकरण है, गति के आपको चार समीकरण दिए जाते हैं, तीन जनरली दिए जाते हैं, लेकिन एक होता है पर सेकेंड, एक से किस किस सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर हुई इसका बताता है, ठीक है। अब देखिए यह आपका अगर चार क्वांटिटीज हैं, चार फिजिकल क्वांटिटीज हैं, चारों फिजिकल क्वांटिटीज में से, ठीक है, जो कोई भी तीन दिया रहेगा तो फोर्थ, मतलब तीन दिया है तो फोर्थ को आप, चौथी राशि को आप कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है, बाय दिस फार्मूला। अब देखिए इसमें अब आपको बताते हैं औसत वेग और चाल। देखिए एक आपका आता है, मान लीजिए मिस्टर एक्स हैं या बी, बी तक गए, बी से सी गए, सी से फिर डी पर गए, डी से ई पर गए, ठीक है। अब यहाँ पर मान लीजिए एस वन डिस्टेंस है, एस टू है, एस थ्री है, एस फोर है, ठीक है। और यहाँ पर एस वन डिस्टेंस कवर करने में, एस वन डिस्टेंस कवर करने में उनको जस्ट मिनट, अब देखिए मान लीजिए एक्स पर्सन है वह ए से बी तक जाता, बी से सी तक जाता, सी से डी, से डी तक, डी से ई तक, सभी डिस्टेंसेस अलग अलग हैं। मान लीजिए ए से बी तक जाने में वह टी वन टाइम लेता है, बी से सी तक एस टू डिस्टेंस कवर करने में उसको टी टू टाइम लगता है, इसमें टी थ्री लगता है, इसमें टी फोर, भाई समय स्पीड अलग अलग होगी तो उसमें समय क्या होगा, वो अलग अलग लगेगा। अब देखिए कि अगर आपको पूछा जाता है भाई यहाँ कुछ अलग स्पीड से, यहाँ अलग स्पीड, क्योंकि अलग अलग डिस्टेंस अलग अलग टाइम कवर कर रहा है, इसका मतलब उसकी स्पीड चाल क्या होगी, अलग अलग होगी। तो हमेशा ध्यान रखिए कि जितनी भी डिस्टेंसेस हैं वह अलग अलग स्पीड से कवर की गई है, लेकिन ये पूछा जाए कि एवरेज स्पीड, अगर एक मोटा मोटा पूछा जाए कि एवरेज स्पीड कितनी, औसत वेग या चाल कितनी होगी, तो आप क्या करते हैं सभी डिस्टेंसेस को सम अप करते हैं, यानी टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस ले लेते हैं, कुल चली गई दूरी लेते हैं और जितना टोटल टाइम लगा है टोटल टाइम से डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो इसमें आप करते हैं पहले एस वन, फिर एस टू, टोटल डिस्टेंस ले लीजिए एस थ्री प्लस एस फोर, डिवाइडेड बाई टाइम टोटल कितना लगा, टी वन प्लस टी टू प्लस टी थ्री प्लस टी फोर, ठीक है। और ये जो पैरामीटर निकलेगा आपका एवरेज स्पीड निकलेगी, इसको क्या बोलते हैं एवरेज स्पीड, यानी ये हो जाएगा आपका औसत, औसत चाल हो जाएगा, ठीक है, ये औसत चाल हो गया, यानी औसत चाल बराबर क्या होता है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन, यानी कुल चली गई दूरी अपॉन कुल लिया गया समय। अब देखिए अगर एक वो स्पीड के मीन्स उससे बताया गया है, अगर ये वेलोसिटी में भी होता, ठीक है, वेलोसिटी में भी होता, ये क्या होता है एवरेज वेलोसिटी बात किया जाता, तो जितना डिस्टेंस डिस्प्लेस, सॉरी वहां पर डिस्टेंस नहीं आएगा, डिस्प्लेसमेंट आएगा विस्थापन, जितना विस्थापन तय किया है और जितने सेकेंड्स में, यानी जितने टाइम्स में तय किया है डिवाइडेड बाई टाइम कर देंगे टोटल, ठीक है, तो एवरेज वेलोसिटी निकल जाएगी। अब अगर मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे हमेशा फिजिक्स में खाता टेस्ट रखिएगा, ये चीज हमेशा ध्यान में रखिएगा कि सबसे पहले एक ऑब्जेक्ट को दिखाइए, ऑब्जेक्ट को आप शो करिएगा, इस तरह कभी भी है एग्जामिनेशन में कभी भी रिटेन आप करते हैं तो फिजिक्स को, मैकेनिक्स पार्ट जो डायनेमिक्स होता है विज्ञान का, उसमें ऑब्जेक्ट की पोजिशन, स्टार्ट पोजीशन, एंड पॉइंट दिखाते हैं, ऑब्जेक्ट को सिंबॉलिक रूप से दिखाते हैं, धरातल दिखाते हैं, इनिशियल वेलोसिटी दिखाते हैं, फाइनल वेलोसिटी दिखाते हैं, टाइम दिखाते हैं और डिस्टेंस दिखाते हैं, डिस्प्लेसमेंट दिखाते हैं। कैसे, मान लीजिए यह हो गया धरातल, ठीक, या अर्थ सर्फेस हो गई जो है,
इस पर कोई ऑब्जेक्ट है, इसका मास m है, ठीक है, यह ई पोजीशन पर, ठीक ई पोजीशन पर है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी u है, यह सभी इतने प्रारंभिक वेग से चल रहा है। अब t टाइम में ध्यान रखिएगा, t टाइम में यस डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट कवर करके, ठीक है ना, यस डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट कवर करके यह ए पोजीशन से बी पोजीशन पर जाता है, तो ऑब्जेक्ट को भाई सेम शो करेंगे, ऑब्जेक्ट को भाई यह बदला है नहीं, ऑब्जेक्ट को इस तरह करके ये एम शो कर देंगे, और इस समय इसकी यानी यहां पर जब ए पोजीशन पर आता है उसकी वेलोसिटी कितनी रहती है, यू रहती है प्रारंभिक वेग, और टी टाइम में उसकी जो प्लेसमेंट है लास्ट, उसका डेस्टिनेशन मंजिल कौन सी बताई गई, बी पॉइंट बताया गया, उस समय उसकी वेलोसिटी बी हो गई, कितना दूरी या विस्थापन कवर करने बाद, यस डिस्टेंस या विस्थापन कवर करने बाद, ठीक है। तो जब भी आप शो करेंगे तो ऑब्जेक्ट का इस ढंग से आप शो करिएगा, ठीक है, टी टाइम लगा या डिस्प्लेसमेंट कवर करने में, ए पोजीशन से बी पहुंचने में, ई में शुरुआती में जब ऑब्जर्वर प्रेक्षक देख रहा था तो उस समय उसकी वेलोसिटी यू थी, और टी टाइम बाद यह डिस्प्लेसमेंट कवर करने पर जो है उसका बी पॉइंट जब पहुंचता है उसकी फाइनल वेलोसिटी बी बताई जाती है। अगर आपसे बोला जाए, ध्यान रखिएगा, आपसे ये बोला जाए कि औसत वेग यहाँ पे ये है यहाँ ये है, तो आप क्या करते हैं, जैसे मैं आपसे बोल रहा हूं कि किन्हीं भी दो बंदे मान लीजिए हैं, ठीक, या तीन बंदे हैं, एक की एज मान लीजिए एक्स बताई जाती है, दूसरी की वाई ईयर्स है, तीसरे की जेड ईयर्स है, ठीक है, यानी कोई एक साल का है, कोई वाई साल का है, कोई जेड साल का है, ठीक है। तो अगर हम पूछें जो है कि उन तीनों की औसत आयु औसत उम्र कितनी है, तो आप क्या करते हैं, सभी लोगों की औसत आयु को क्या करते हैं, सॉरी औसत जो आयु है उसको क्या कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं, सबकी आयु को जोड़ते हैं, और जोड़ने के बाद जितने पर्सन है, कितने पर्सन है, तीन पर्सन है, तो तीन से डिवाइड कर लेते हैं। उसी तरह सेम वे यहाँ पर क्या है, यहाँ पर दो वेलोसिटी दिख रही है, एक इनिशियल है एक फाइनल है, ठीक है, एक इनिशियल और एक फाइनल, ठीक। तो अगर इसका औसत वेग निकाला जाए तो क्या करेंगे, इनिशियल और फाइनल को जोड़ देंगे, सिर्फ दो संख्या में है तो दो से डिवाइड कर देंगे। कमान, अब हम चलते हैं इसी पर, की वो है फॉर्मुलेशन है, कमान कि टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड आप देख रहे हैं, एवरेज स्पीड अब आप पहुंचे, या वेलोसिटी, एवरेज स्पीड या वेलोसिटी इज इक्वल टू ये हो जाएगा टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, ठीक, कुल चली गई दूरी या डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी लाना है तो डिस्प्लेसमेंट ला देंगे, टोटल डिस्प्लेसमेंट कवर्ड पूरा विस्थापन जितना कवर किया गया है अपॉन टोटल टाइम टेकन ये आ जाएगा आपका, ठीक। और इसको इस तरह करेंगे, एवरेज स्पीड के लिए एवरेज को ये मीन निकालते, मीन मीडियम मोड में स्टैटिस्टिक्स में पढ़ेगा, या एवरेज का सिंबल होता है इज इक्वल टू यह हो जाएगा टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड हो जाएगा, ठीक है, अपान टोटल टाइम टेकन आ जाएगा, यह इस तरह का यह डेरिवेशन आपको मिल जाता है, ठीक है। ठीक इसी तरह अगर टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड करेंगे आप तो यह क्या हो जाएगा, टोटल टाइम आगे है मल्टीप्लाई हो जाएगा। देखिए अगर यस एवरेज डिस्टेंस अपॉन टाइम है इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एवरेज स्पीड हो जाएगी। उसी तरह अगर एवरेज डिस्प्लेसमेंट है अपॉन टोटल टाइम है यह इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये एवरेज इसको बोलेंगे एवरेज वेलोसिटी हो जाएगी, ठीक है। तो बताइए टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, टाइम घर जाके मल्टीप्लाई होगा, ठीक। यानी अगर हम ये एरो का जब चिन्ह लगाएं तो यस अपॉन टी टोटल डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इस पर टू ये हो जाएगा एवरेज वेलोसिटी, या क्या हो जाएगा एवरेज वेलोसिटी, आपको ये मिल जाता है, ठीक है। कमान, तो एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम मिल जाएगा,
एवरेज क्लास टी टू भाई एस इक्वल टू करेंगे टी का डिवाइड उधर जाके मल्टीप्लाई करेगा इतना आ जाएगा इज इक्वल टू। अब एवरेज क्लास टी क्या होगी भाई इनिशियल है फाइनल है तो दोनों को जोड़ देंगे यू प्लस बी अपान टू दो है दो से भाग दे देंगे और इसके बाद एक टाइम आ जाएगा ठीक है। अब देखिए फर्स्ट इक्वेशन में आपने क्या निकाला था v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी निकाला था ये u प्लस ए टी की वैल्यू आप कहां पर रख दीजिए यहां पर v इज इक्वल टू कमान यह आगे आ जाएगा u प्लस v की वैल्यू u प्लस ए टी यानी v की जगह यह फर्स्ट इक्वेशन मोशन रख दीजिए अपान टू और टोटल का मल्टीप्लाई का ये टाइम है ठीक है। u u कितना u हो गया 2u ये 2u हो गया प्लस यह ए टी है ठीक अपान टू इंटू टाइम ठीक है। अब इसको हम मिटा दे रहे इधर अभी क्या होगा टी को मल्टीप्लाई करिए टी मल्टीप्लाई करेंगे तो डिस्ट्रीब्यूट होगा इसमें भी मल्टीप्लाई होगा इसमें भी मल्टीप्लाई होगा अगर टू यू मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये आ जाएगा टू यू टी प्लस और इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या आ जाएगा ए टी स्क्वायर फिर डिवाइडेड बाई टू है। अब दो से डिवाइड करेंगे तो ये भी डिस्ट्रीब्यूट होगा आप जानते हैं कि अगर b प्लस सी अपान डी है तो इक्वल टू बी बाई डी भी होगा प्लस सिंबल दे करके c बाई डी भी होगा उसी तरह डिस्ट्रीब्यूशन डिवीजन में भी होगा कमान तो सबसे पहले मान ली b है तो इसमें टू यू टी डिवाइडेड बाई टू प्लस फिर यहाँ कुछ नहीं इसका मतलब 180 है यानी ए टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू यहाँ पर दो दो से कट गया क्या आ गया यू टी आ गया फिर प्लस है यहाँ कुछ नहीं वन है इसका मतलब इसका कोएफिशिएंट गुणांक तो आ जाएगा वन बाई टू ए टी स्क्वायर यह आपका जो हो जाएगा दिस इज योर सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन ठीक है। दिस इज योर सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन यानी यह गति का दूसरा समीकरण है यह आपका डेरिवेशन हुआ। फिर नाउ आप थर्ड पर चलते हैं देखिए थर्ड के लिए सेम हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को रिमाइंड कर रहे हैं आपसे देखिए v इज इक्वल टू कितना होता है u प्लस ए टी होता है ठीक है v इज इक्वल टू u प्लस ए टी आपका गति का प्रथम समीकरण है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन ठीक। अब दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए स्क्वायरिंग बोथ साइड्स दोनों तरफ का आप वर्क करते हैं यानी v का स्क्वायर इक्वल टू उधर हो जाएगा आपका u प्लस ए टी का होल स्क्वायर ठीक है u प्लस ए टी का होल स्क्वायर। अब a प्लस b का होल स्क्वायर कितना होता है उसी हिसाब से एक्सटेंड करेंगे आप इसको या a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर ये होता है a की जगह u है b की जगह ए टी है पहले ए का स्क्वायर होगा यानी यू का स्क्वायर आ गया प्लस फिर टू ए बी है तो टू इंटू ए की जगह क्या है यू है इंटू बी की जगह क्या है ए टी है ये हमने ये कर दिया फिर प्लस फिर बी का स्क्वायर बी की जगह ए टी है तो ए टी का होल स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा ए स्क्वायर टी स्क्वायर आ जाएगा आपका ए स्क्वायर टी स्क्वायर राइट कमान अभी आ जाएगा यू स्क्वायर प्लस ठीक है इतने में से 2 और a कॉमन ले लीजिए ठीक है 2 a कॉमन ले लिए अंदर क्या बचा भाई 2 a तो कॉमन ले लिया गया है यह बचा ut प्लस। अब बताइए यहां पर 1 कोएफिशिएंट रखने के लिए लाने के लिए क्या करेंगे 1 by 2 यहां पर रखेंगे क्योंकि 2 into अगर a होगा तभी यहां पर 1 आएगा दो दो से कटकर हां और a की कॉमन ले लिया गया है 1 a बचा और t स्क्वायर ठीक है। अब ये आगे जाएगा यू स्क्वायर प्लस टू ए और आप जानते हैं यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर अभी क्या है सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन है ये एस है यह सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन है गति का द्वितीय समीकरण तो ये आ जाएगा टू ए एस। अब ये जो आपको डेरिवेशन मिला है कि वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस ये आपका होगा थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन इसको बोलते हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्लियर यानी गति का तृतीय समीकरण
तीसरा आप लोगों को तीन समीकरण मिले, अब उनको रिमाइंड करा रहे हैं आपको। पहला है कि v is equal to u plus at, दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन जिसको आपने डिराइव कर लिया। दूसरा हो जाएगा as is equal to ut plus हाफ at स्क्वायर, ये आपका सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन हो जाएगा। और तीसरा अभी आपने निकाला है v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, ये आपका हो जाएगा थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, अभी आपने देखा थ्री इक्वेशन ऑफ मोशन और एक चौथा वाइड इक्वेशन ऑफ मोशन आएगा, ये होता है यंथ सेकेंड में यानी जैसे 10वें 20वें 24वें सेकंड में कितना दूरी, तो यंथ सेकंड में डिस्टेंस आता है, तो यंथ सेकंड इज इक्वल टू हो जाएगा u प्लस हाफ a, ठीक है, टू n माइनस 1, ठीक है, हाफ a यानी u इनिशियल वेलोसिटी है, a एक्सेलरेशन है, n जो है यंथ सेकंड है, जो यंथ सेकंड दिया जा रहा है वो नंबर यहाँ पर रखा जाएगा, और यह उस सेकेंड में पर्टिकुलर उस सेकेंड में चली गई है डिस्टेंस है, इसका कन्वर्जन ये है कि ये है आपका वाइड।